कांग्रेस में जीतू पटवारी को मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कमलनाथ की जगह जीतू पटवारी को जिम्मेदारी दी गई है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष बनाए दीपक बैज को छत्तीसगढ़ का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चरणदास महंत को बनाया छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, दीपक बैज को छत्तीसगढ़ का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, वहीं चरणदास महंत को छत्तीसगढ़ नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष बनाए हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश में जो जीतू पटवारी है उनको जिम्मेदारी दी गई है प्रदेश अध्यक्ष की। जीतू पटवारी को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश में बनाया गया है। राजस्थान का इंतजार है, राजस्थान में अभी क्या बदलाव देखने को मिलेगा और राजस्थान में क्या प्रदेश अध्यक्ष बदला जाएगा, क्या किसे नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा, ये तमाम सवाल हैं और उसको लेकर भी शायद इंतजार कल तक खत्म हो जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो ये स्थिति क्लियर हो गई है, तस्वीर साफ हो गई है। और ये दोनों आपको वो नोटिफिकेशन जो जारी हुए हैं वो बता रहे हैं, जहाँ एक तरफ मध्य प्रदेश को लेकर नोटिफिकेशन आया, यानी जो AICC से मैसेज आया, संदेश आया, वहीं दूसरा छत्तीसगढ़ के लिए है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं। कनिका हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गई है खबर पर। कनिका, क्या कुछ जानकारी है और राजस्थान को लेकर भी जानकारी दीजिएगा, इंतजार कब खत्म होगा? देखिए, बिल्कुल, कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बदम हार के बाद अपने नेता प्रतिपक्ष की घोषणा कर दी है। अगर बताना चाहूंगी, मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी को कांग्रेस ने नया प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया है। पहले कमलनाथ थे और कमलनाथ की जगह जीतू पटवारी को जो है मौका दिया गया है। इसी के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष जो है वो उमंग सिंघर है, उनको नेता प्रतिपक्ष मध्य प्रदेश बनाया गया है। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ में चरणदास महंत जो है वो कांग्रेस पार्टी की ओर से नेता प्रतिपक्ष के लिए उनकी घोषणा हुई है। और इसके अलावा राजस्थान को लेकर आपने बात की, तो बिल्कुल देखिए, बड़ा बदलाव जो है कांग्रेस पार्टी ने किया है, युवाओं को मौका दिया है, नए चेहरों को मौका दिया है। सेम यही पैटर्न जो है हमें राजस्थान में देखने को मिलेगा। राजस्थान की लिस्ट को लेकर भी कहा जा रहा है, जो कि हमारी खबर है कि जल्द जो है नेता प्रतिपक्ष के तौर पर कांग्रेस पार्टी ऐलान करेगी। और उसी के साथ साथ ये भी तय हो जाएगा कि प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान में जो है वो रहेंगे या उनका बदलाव होगा। लेकिन एक बड़ा झटका जो है, एक बड़ा संदेश जो है कांग्रेस पार्टी दे रही है, नए चेहरों को फ्रंट फुट पे लाकर कांग्रेस पार्टी ने खड़ा किया है और अब एक नई दिशा में कांग्रेस पार्टी नए लोगों को मौका देती नजर आ रही है। जी कनिका, अगर ये युवाओं को या नए चेहरों को जगह दी जाती है तो राजस्थान में भी क्या प्रदेश अध्यक्ष बदला जाएगा और क्या नेता प्रतिपक्ष को लेकर क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल, अगर राजस्थान की बात करें तो नेता प्रतिपक्ष को लेकर अगर बात करें तो हरीश चौधरी भी लगे पड़े हैं दौड़ में, वो भी लगातार चाहते हैं कि उनका नाम आए। इसके अलावा महेंद्र सिंह मालविया, वो भी लगातार दिल्ली के चक्कर काट रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि वो CLP लीडर बने। इसके अलावा तमाम ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि वो नेता प्रतिपक्ष की रेस में रहें और उनके नामों की घोषणा हो, लेकिन अभी तक औपचारिक कोई ऐलान नहीं किया है। लेकिन बिल्कुल, अगर बात करें राजस्थान की, तो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर भी कांग्रेस पार्टी नए चेहरे को मौका देगी जो काम कर सकता है और जो विधानसभा चुनाव में एक बड़ी जीत हासिल कर चुका है, उन्हीं को मौका दिया जाएगा। क्योंकि कनिका, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर तो फैसला कर दिया, सामने आ गया, राजस्थान में क्यों इंतजार किया जा रहा है, अभी वहां पे क्यों लेट हो रहा है? देखिए, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को लेकर जो है ऐलान हो चुका है और सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि कुछ ही दिनों में या कह सकते हैं कि बहुत जल्द कांग्रेस पार्टी राजस्थान को लेकर भी नेता प्रतिपक्ष की घोषणा कर देगी, क्योंकि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का ऐलान हो चुका है। अब किसी भी वक्त कांग्रेस पार्टी राजस्थान का भी नेता प्रतिपक्ष घोषित कर सकती है। चलिए, ठीक है, शुक्रिया कनिका जानकारी के लिए।